जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो कंडक्टर जीरो होता है, यानी कि कोई भी होलो कंडक्टर, खोखला कोई भी मेटल का बर्तन है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगा। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके आउटर सरफेस पे रह जाएगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। आइए इसे एक एक्सपेरिमेंट से हम चेक करते हैं। जैसे हमारे पास दो फोन है, तो मैं इस फोन को इस फोन से मिला रहा हूँ, तो आप देखिए इसमें कॉल जाता है, इसमें मैंने फ़ोन मिला दिया है तो आपके सामने फ़ोन चला गया, आवाज़ आ रही है आपको, कॉल आ रही है इसके अंदर, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब इस फोन को हम इस होलो बॉक्स के अंदर रखते हैं, और इसमें रखने के बाद अब हम दोबारा से फ़ोन मिलाएंगे और आपको आवाज़ सुनाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि फोन नहीं मिल रहा है, फोन नहीं मिल रहा है, या इस समय उपलब्ध नहीं है, कुछ समय पश्चात पुनः प्रयास करें। आपने देखा बिजी और नॉट रीचेबल, क्यों? क्योंकि अब यहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ जा रही है उनका इलेक्ट्रिक फील्ड सारा आउटर सरफेस पर रह जाता है, अंदर नहीं जाता है, इसलिए सिग्नल भी अंदर नहीं जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होलो कंडक्टर के अंदर जीरो, इसीलिए हमें बोला जाता है कि व्हेनेवर यू आर आउटसाइड ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म यू हैव टू बी इनसाइड द कार। तो कार के अंदर बैठना ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि जो भी लाइटनिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कार एक होलो कंडक्टर की तरह काम करेगी और फील्ड उसके अंदर नहीं जाएगा। थैंक यू।